बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको बारी हरूफ वाले अल्फाज की रीडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक करवा दी हुई है, आज हम रा और ख, ठीक है, रे है रा, काफे ख, बे रे बढ़, बे रे बढ़, चे रे चढ़, चे रे चढ़, पे रे पढ़, पे रे पढ़, बढ़ चढ़ पढ़, ठीक है। फिर है ख, काफ अलिफ का नून अलिफ ना, खाना, कैसे पढ़ेंगे, काफ अलिफ खा नून अलिफ ना, खाना। काफ ये खेत ए साकिन खेत, काफ अलिफ खा दाल साकिन खाद, खाना खेत खाद, बढ़ चढ़ पढ़, खाना खेत खाद। ये इमला भी करनी है आपने और इसकी रीडिंग भी, ठीक है। और कोशिश करें कि पीछे से भी बार बार दोहराएं आप लोग, ताकि आपको अच्छी तरह से ना पीछे से भूले ना आगे आगे से भी याद रहे आपको, ठीक है। साथ साथ हम आगे भी चलते हैं और पीछे से भी आप ज़रूर रीडिंग किया करें रोज़ के रोज़, और इसको इमला के तौर पर नीट कॉपी पर भी लिखना है आपने। थैंक यू। इसके अलावा मेरा तारुफ़, ये जो काम है बारी हरूफ वाला, ये उर्दू ए पे करना है, और मेरा तारुफ़ ये आपने उर्दू बी की कॉपी पे होमवर्क करना है, ठीक है। 20 पहले डेट 4 2020, मेरा तारुफ़। मेरा तारुफ़ में आपने अपने बारे में बताना है, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम, आपने इस ब्लैंक के अंदर अपना नाम लिखना है, ठीक है। मेरा नाम, जैसे मेरा नाम सुंदस है, इसलिए आपने मेरा नाम, अपना अपना नाम यहाँ पे लिखना है। मैं 6 साल की हूँ, ये आपकी उम्र है 6 साल, ये पूरी लाइन आपने क्या लिखना है, मैं 6 साल की हूँ, मैं अव्वल जमात में पढ़ती या पढ़ता, लड़कियों के लिए पढ़ती यूज़ होगा और लड़कों के लिए पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम रॉयल ग्रामर एलिमेंट्री स्कूल है, ठीक है। मेरे स्कूल का नाम रॉयल ग्रामर एलिमेंट्री स्कूल है। मुझे आम पसंद है, ठीक है। ये मेरा तारुफ है, ये आपने नीट कॉपी पे लिखना है और इसे ज़ुबानी याद भी करना है। साइड पे आपने यहाँ पे मार्जिन लाइन भी लगा लेनी है, ठीक है। ये आपने ज़ुबानी इसको याद भी करना है अच्छी तरह, और इसको नीट कॉपी उर्दू बी की कॉपी पे लिखना है। थैंक यू।